बाद वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज की आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में किसको कितना हुआ नुकसान, आर्मेनिया अजरबैजान की जंग क्यों है वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत, आर्मेनिया ने क्यों दी टर्की को चेतावनी और अजरबैजान की मदद कैसे कर रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जंग से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग जारी है। दोनों देशों के बीच शांति की कोशिश का फिलहाल असर नहीं दिख रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ने शांति वार्ता से इनकार किया है। दोनों ही देश एक दूसरे को जंग के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। जंग में आर्मेनिया के 700 से ज्यादा जवान और 500 से ज्यादा सिविलियन मारे गए हैं। आर्मेनिया के 19 गांव पर अजरबैजान ने कब्जा किया है। आर्मेनिया के जवाबी हमले में अजरबैजान को भी भारी नुकसान हुआ है। आर्मेनिया ने जवाबी हमले में अजरबैजान के 50 टैंक, 17 हेलीकॉप्टर और 29 अटैक तबाह कर दिए। जंग में अजरबैजान के 110 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ जंग में तुर्की पर सीधे सीधे अजरबैजान का साथ देने का आरोप लगाया है। आर्मेनिया का कहना है कि तुर्की के F-16 फाइटर जेट्स ने आर्मेनिया के SU-25 फाइटर जेट को मार गिराया। आर्मेनिया का कहना है कि इस हमले में उसके पायलट की जान चली गई। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में तुर्की खुलकर अजरबैजान का साथ दे रहा है। तुर्की का कहना है कि जंग के लिए पूरी तरह आर्मेनिया ही जिम्मेदार है। तुर्की ने कहा कि जब तक आर्मेनिया कब्जा किए गए इलाकों को खाली नहीं करता, शांति नहीं हो सकती। आर्मेनिया ने कहा कि अगर तुर्की ने उसकी सेना के खिलाफ F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल बंद नहीं किया तो वो रूस में बने बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करेगा। आर्मेनिया ने कहा कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग के मैदान से विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। रूस आर्मेनिया की अब खुलकर मदद कर रहा है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। रूस ने आर्मेनिया की मदद के लिए ईरान के अंजली पोर्ट से हथियारों की नई खेप आर्मेनिया भेजी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की मदद कर रही है। ISI आतंकियों को अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए $1,500 से $2,000 प्रतिदिन की सैलरी दे रही है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में अजरबैजान के समर्थन में जमकर पोस्ट किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अजरबैजान और आर्मेनिया से जंग खत्म करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनिया गुंटेरेश ने अजरबैजान और आर्मेनिया के PM से बात की। दूसरे देशों ने भी अजरबैजान और आर्मेनिया से शांति की अपील की है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,